नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुपरस्टार सनी देओल सर की फिल्म भैया जी सुपरहिट के दो दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में कितने करोड़ का कारोबार किया, और फिल्म का बजट क्या था, और फिल्म सुपरहिट हुई या फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं फिल्म का कलेक्शन। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूं साउथ और बॉलीवुड की सभी खबरें सबसे पहले हिंदी में। तो दोस्तों सुपरस्टार सनी देओल सर की फिल्में इस महीने में दो आ चुकी है। पहली आई मोहल्ला 80, जो कि अच्छा खासा कलेक्शन करके अब लगभग बॉक्स ऑफिस पे उतरने वाली। वही दूसरी फिल्म भैया जी सुपरहिट भी रिलीज हो चुकी है। दोस्तों कलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों बाद सनी देओल सर की कोई ऐसी फिल्म आई है जिसे देख के लोगों को लगा कि नहीं यार, ये इसी टाइप की फिल्में सनी देओल सर को करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भैया जी सुपरहिट फिल्म काफ़ी शानदार और काफी एंटरटेनिंग है। अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो यार ये वीडियो देखना बंद करो, सबसे पहले जाके आप इस फिल्म को देख के आओ, क्योंकि फिल्म काफी अच्छी है और मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी फिल्म का कलेक्शन कम हो और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप ये फिल्म देख के नहीं आए तो सबसे पहले इस फिल्म की टिकट बुक करिए, टिकट खरीदिए और इस फिल्म को देख के आइए। और अगर आप एक बार देख के आ गए तो इस बार अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ जाके इस फिल्म को देख के आइए और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करवाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सनी देओल सर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करे। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस साल सनी देओल की ये तीसरी फिल्म है, पहली थी यमला पगला दीवाना 3, दूसरी थी मोहल्ला 80 और तीसरी है भैया जी सुपरहिट। दोस्तों यमला पगला दीवाना 3 बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी, वही मोहल्ला 80 भी ठीक ठाक ही कलेक्शन करके उतरने वाली। तो दोस्तों अब ये फिल्म इस साल सनी देओल सर की आखिरी फिल्म है। दोस्तों इस फिल्म को आप फुल सपोर्ट करिए और इस फिल्म को थिएटर में देखने जाइए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद सनी देओल सर की अभी कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं हुई, तो क्या पता हमें सनी देओल सर की अगली फिल्म कितने दिनों बाद देखने को मिले। इसलिए दोस्तों इस फिल्म को आप मत छोड़िए, पहले थिएटर में देख के आइए। अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इसी के कारण इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 5.5 करोड़ रुपए का शानदार ग्रॉस कलेक्शन कर लिया इंडिया में। वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन और भी बढ़ गया, और बढ़ने का कारण यही था दोस्तों फिल्म काफी अच्छी है, लोगों को पसंद आ रही। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब फिल्म अच्छी होती है और लोगों को पसंद आती है तो फिल्म के कलेक्शन तो बढ़ना आम सी बात है। तो इसी कारण दोस्तों इस फिल्म ने जहां पहले दिन 5.5 करोड़ कमाए, वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 6 से 6.5 करोड़ के बीच रहा। मतलब दो दिन में फिल्म ने कमाया लगभग 12 करोड़ रुपए। अब दोस्तों इस फिल्म का तीसरा दिन कल है और तीसरे दिन ये फिल्म और भी ज्यादा कमाई कर सकती है, क्योंकि दोस्तों फिर से रिपीट करूंगा मैं, फिल्म काफी अच्छी है, इस फिल्म को लोग देख रहे हैं, आप भी देख के आइए, बाद में कलेक्शन का वीडियो देखना। तो दोस्तों इस फिल्म ने दो दिन में कमा लिया है 12 करोड़। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म अपने पूरे हफ्ते में लगभग 40 करोड़ रुपए तक का कारोबार बड़ी ही आसानी से करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। वैसे दोस्तों आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और कितना कलेक्शन कर पाएगी, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज़ के लिए मेरे और आपके इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।